हेलो एवरीवन, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने टीचर्स की बात की थी कि टीचर्स की जो वैकेंसी आई है तो कैसे जो है आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीएड की है आपने, बीएसटीसी किया है, डीलेड किया है या फिर डीएड किया है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसोर्स पर्सन की जो वैकेंसी आई है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। अगर आपने जो है ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 6 राज्यों से ये वैकेंसी है सरकारी स्कूल में काम करने का। ये बहुत अच्छा जो है आप लोगों के पास मौका रहेगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, इनके लिंक जो है सरकारी स्कूल से रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई है। तो चलिए, परमानेंट ये पोस्ट रहने वाली है, काफ़ी अच्छी जो है सैलरी होती है, 45,000 से अधिक जो आप लोगों को रिसोर्स पर्सन के लिए यहाँ सैलरी दी जाएगी। ये जो है मेन वेबसाइट है, तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। करियर सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, अपॉर्चुनिटी पर आप जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोगों के सामने जो पेज ओपन होगा तो रिक्रूटमेंट इवेंट में ये चीजें आपको बता दी। चाहे स्कूल टीचर्स के लिए आप अप्लाई करें, चाहे रिसोर्स पर्सन के लिए, 25 नवंबर को आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, 18 नवंबर लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। यहाँ पर स्कूल टीचर पोजिशन के लिए आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियरली सारी चीजें समझाई हैं, कैसे जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे आप लोग, ये सारी चीजें आप लोगों को पिछले वीडियो में मिलेगी। रिसोर्स पर्सन पोजीशन के लिए चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य की वैकेंसी है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सारी चीजें समझेंगे। तो यहाँ पर जो है रिसोर्स पर्सन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही जो आपको नजर आ जाएगा कि ये जो है जो भी सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है बच्चों को, जो टीचिंग कराई जा रही है, उस क्वालिटी को जो है इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, यही जो है यहाँ पर काम रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का जो है ये अवसर मिल रहा है। फाइन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये जो है 6 स्टेट हैं जहाँ से वैकेंसी है। पर्टिकुलर जो है यहाँ पर लोकेशन नहीं बताई है, केवल यही बताया कि जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में वैकेंसी है, झारखंड है तो झारखंड में है, ठीक है। और यानी इनको जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर वैकेंसी खाली है और यहाँ रिसोर्स पर्सन की आवश्यकता है तो वहीं पर जो है रहेगा। आप लोग जो है जब अप्लाई करेंगे तो आप स्टेट का नाम जो है वो वहाँ पर डालेंगे, जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में जो है कहाँ पर भेजेंगे तो ये चीज़ जो है बाद में ही डिसाइड की जाएगी। तो चलिए, जैसे मध्य प्रदेश के लिए रिसोर्स पर्सन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या काम करना होगा। एलिजिबिलिटी जो है आप देखें, ग्रेजुएशन के साथ में 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट अभी अगर आपने किया है तो 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है रिसोर्स पर्सन के लिए, जो भी सोशल सेक्टर में एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो उनको जो है प्रेफरेंस यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यू विल वर्क विद गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो आप लोगों को जो है उनकी जो है हेल्प जो है करनी है, किस तरीके से जो है और बेटर जो है स्कूल्स को और बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है, बच्चों के लिए और क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रहने वाली हैं। लोकेशन जो है, तो मध्य प्रदेश के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मध्य प्रदेश लोकेशन रहेगी। अप्लाई पर आप लोगों को क्लिक करना है, पेज आपके सामने जो है बिल्कुल आ जाएगा, इसे ही जो है आप लोग भरेंगे, चाहे आप टीचिंग के लिए अप्लाई करें, चाहे आप रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई करें। तो एक चीज है, जैसे रिसोर्स पर्सन है स्कूल टीचर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग में यहाँ पर जो डेट डाली गई है इन पर जो है आप लोग ध्यान नहीं दें, क्योंकि सबसे फर्स्ट में होम पेज पर ही जो है नेक्स्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 25 नवंबर 2023 को जो है आप लोगों का सैटरडे के दिन एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, यानी आप जो हैं जहां पर भी हैं वहीं से जो है आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो है 18 नवंबर रहेगी। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी जो है डाउट है, तो इससे पहले का जो वीडियो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो टीचर से संबंधित मैंने बनाया है, जो शिक्षकों की भर्ती 4 राज्यों की, तो वो आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।